So very good evening to all of you. So कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना इफ एवरीथिंग इज ओके, साउंड इज ओके, वीडियो इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन. सो आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, करेक्ट? So around 43 people are live. So guys, share this session here, like this video, and subscribe the channel if you already not subscribe this channel. ठीक है, okay, very good. तो देखो आज का session होने वाला है थोड़ा सा candid session, थोड़ा सा हम लोग बहुत general बातें करेंगे, और maybe आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से relate कर पाएंगे, जो story आज मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ. So very honest story. और एक मैं जस्ट एक पर्सपेक्टिव बताना चाहूंगा लाइफ का, कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद हमें बाद में पता चलता है कि यार इनका होना काफी जरूरी था अपनी लाइफ में. उस टाइम पे हमें लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, हम शायद डिजर्व नहीं करते बहुत सारी चीजें, हमारी किस्मत में ही बहुत सारी चीजें. पर अब जब थोड़ा आप आगे जाते हो, थोड़ा लाइफ में मेच्योर होते हो, तो आपको समझ आता है कि जो भी चीजें हो रही मेरी लाइफ में ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. ओके फाइन, ठीक है, साउंड ज्यादा ही आ रही है. ओके ठीक है, तो आज का सेशन भी यार ऐसे ही काफी कैंडिड सेशन होने वाला है. यहाँ पे मैं भी बताऊंगा आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें, एक जनरल कुछ हम लोग बातें करेंगे, और होपफुली आप में से बहुत सारे लोग उस चीज से रिलेट भी कर पाएंगे. शायद आपकी भी लाइफ वैसी ही रही हो जैसी अभी तक की मेरी लाइफ रही है, शायद आपको भी सक्सेस जस्ट मिलने ही वाली हो. सक्सेस मिलने से आप कुछ ही कदम दूर होंगे, उसके पहले की लाइफ को आप शायद बहुत अलग नजरिए से देखते होंगे कि शायद यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी, या फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप थी. तो आपको सक्सेस मिलने से पहले और मिलने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं पर्सपेक्टिव में, एज ए पर्सनैलिटी आप कैसे कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जस्ट अगर आपको एक छोटी सी भी सक्सेस मिल जाती है, देन यू कंप्लीटली चेंज. फाइन, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अराउंड 68 पीपल आर लाइव, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस सेशन सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन एंड दे कैन गेट बेनिफिटेड बाय दिस सेशन. उनको भी एक पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ का मिल सके, और शायद वो भी आगे चल के अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सके. फाइन, ओके ओके. तो उसके पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं कि अभी जितने भी यूट्यूब पे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्या आप लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? क्या हम लोग जितना भी हार्डवर्क अपने एंड से पुट कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे अंकित सर हूं, चाहे आपके प्रमीत सर हूं, कामेश सर हूं, एवरीवन इज पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, पल्लव सर हूं, एवरीवन इज पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स. तो हो सकता है बहुत सारी चीजें वर्कआउट करती हैं, कभी कभी कोई चीजें नहीं काम कर पाती, बट स्टिल हम लोग कम से कम ट्राई कर रहे हैं और आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन एक सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो अनअकैडमी प्लस हो, चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो, चाहे वो YouTube क्लासेस हो, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कंटेंट दे पाए. फाइन, ओके ओके. तो एक बार मुझे बताइए कि क्या आपको ये सारे इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, आपका फायदा हो रहा है इनसे दिन ब दिन अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं? यस, ओके फाइन. तो मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है. सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछना है, कितने लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो यार एक एवरेज स्टूडेंट है, दे आर नॉट एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, वो शायद आईआईटी एनआईटी नहीं जा पाए, वो शायद एनआईटी आईआईटी नहीं जा पाए, मे बी दे आर स्टडिंग इन सम प्राइवेट कॉलेज, और मे बी शायद आप ऐसे कॉलेज में हो जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो. तो कितने लोग ऐसा ईमानदारी से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ऐसा मानते हैं कि यार ठीक है हम बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट तो नहीं है, मान लेते हैं ये बात आज की डेट में कि ठीक है हम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है यार, हम बहुत बिलो एवरेज भी नहीं, बट हम एक एवरेज स्टूडेंट है, हमें चीजें समझ में आती है, हमें सब कुछ समझ में आता है, बस शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है, अदरवाइज हम भी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे होते. तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कमेंट सेक्शन? वेरी क्विकली यार लेट मी नो, क्योंकि ये आंसर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ शायद आप लोग उसको रिलेट तभी कर पाएंगे ना जब आप कभी ना कभी एक एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे. आपको शायद कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, किसी ने सही चीजें नहीं बताई, या आपने खुद एक्सप्लोर करी चीजें. तो देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं. एक होते हैं जिनको बचपन से ही बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, बहुत अच्छे
तरीके से सारी चीजों की सिस्टमैटिकली नॉलेज मिल जाती है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो फ्यूचर में अगर जाके अच्छे बनते हैं तो जो अपनी अपब्रिंगिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली देखो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन, पता नहीं आप लोग इस बात से कहां तक एग्री करेंगे, पर मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जनरली जो स्मॉल टाउन के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेट्रो सिटीज ले लो, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, या फिर मे बी एनी बिग सिटी, यू कैन से कोटा बोल दो, कानपुर बोल दो, दीज बिग सिटीज, इन बिग सिटीज को छोड़ दिया जाए तो जनरली एक छोटे शहर से आते हैं, टीयर थ्री सिटीज जिनको हम लोग बोलते हैं, टीयर टू सिटीज जो हम लोग बोलते हैं। तो मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि उनके पास ना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की हमेशा से कमी रही है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की कमी रही है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर या हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनकी भी एक काफी एवरेज सी लाइफस्टाइल रहती है, तो शायद उनको भी उतना एक्सपोजर होता नहीं कि अपने बच्चे को आगे कराएं क्या, और वो भी अच्छे से उनको गाइडेंस दे नहीं पाते। शायद इस वजह से ट्वेल्थ लेवल तक हम उतना बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाते जितना शायद एक प्रॉपर गाइडेंस, एक अच्छे एक अपब्रिंगिंग के तहत, एक अच्छे बैकग्राउंड के तहत शायद अगर हम वो कर पाते हैं। तो एक बार बताना ये मेरा ऑब्जर्वेशन किस हद तक सही है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरा ये ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये चीज रियलाइज किया है कि जो टीयर थ्री टीयर टू सिटीज वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके अंदर टैलेंट तो होता है, पर क्योंकि सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन, सही से किसी ने बताया नहीं, जो सब लोग कर रहे हैं हम लोग भी करने चले गए, बाद में पता चला कि यार अगर किसी ने पहले बताया होता तो शायद और अच्छे तरीके से इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते। आई थिंक यार मेरे ऑब्जर्वेशन काफी हद तक सही है, क्योंकि मैं खुद उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ कि शायद अगर मुझे भी इनिशियल टाइम पे काफी अच्छे रिसोर्सेज, गाइडेंस, मोटिवेशन, एक्सपोजर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक्सपोजर, पता ही नहीं होता करना क्या है, आगे चल के करना भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैटेगरी के जो लोग होते हैं खुद ही एक्सप्लोर करते हैं चीजें, जाते हैं 10 चीजें अटेम्प्ट करते हैं, 10 चीजें अटेम्प्ट करने के बाद उसमें से 4 चीजें अपने लिए होती हैं, 6 चीजें नहीं होती हैं, कभी डीमोटिवेट होते हैं, कभी मोटिवेट होते हैं, खुद ही लड़ते फिरते रहते हैं इधर उधर, धीरे धीरे करके हम लोग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक सब लोग इस बात से एग्री करेंगे यार कि हमारे पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ यार, शायद आप लोग इससे रिलेट कर पाओगे। बहुत काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि आप लोगों से ये चीजें शेयर करूं, शायद आप में से जितने भी लोग लाइफ में, अगर एक ही भी लाइफ इससे चेंज हो पाए, एक भी बंदा अगर इससे मोटिवेशन लेके कुछ बड़ा कर पाएगा, तो मैं अपने आप को काफी काफी हद तक लकी समझूंगा कि मेरा ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा। तो फटाफट आप मुझे ये बताइए, क्या मैं ये सेशन स्टार्ट करूं? शुड आई स्टार्ट दिस सेशन? आई थिंक आई शुड स्टार्ट द सेशन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो सेशन यार शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, अगर आप सेशन को बाद में भी देख रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट विच आई एम मेकिंग देयर, ताकि आप इनको काफी अच्छे से समझ पाए। परफेक्ट, ओके ओके। तो मैं यार अपना आपको एक स्टोरी अपनी सुनाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड भी होंगे और बहुत सारे लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या क्या हुआ और उनसे क्या क्या चीजें मैंने सीखी, क्या क्या मेरा स्ट्रगल रहा, कहाँ कहाँ पे मैं मोटिवेट डिमोटिवेट हुआ, और उसके बेसिस पे आज मैं कहाँ पे हूँ और आज मेरा थॉट प्रोसेस क्या है पहले के कंपैरिजन। परफेक्ट, ओके, चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो मैं 10th से आपको स्टार्ट करता हूँ। तो मैं 10th में जब था तो 10th में मेरी स्कूलिंग एक्चुअली यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हुई थी। तो जो हमारा एक टीयर थ्री सिटी था या टीयर थ्री टाउन था, वहां पे एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत प्रिविलेज बच्चे पढ़ते थे, जो जिनको बचपन से गाइडेंस होता है, हमारे पास इतना एक्सपोजर था नहीं। तो अप टू 10th क्लास आई वॉज इन द गवर्नमेंट स्कूल, दैट टू फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड में 10th मैंने वहां पे किया। 10th करने के बाद जब मैंने 10th किया, 10th करने के बाद भी कोई बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं थे, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि लाइफ में आगे क्या करना है, या फिर कभी ITJEE की तैयारी करेंगे या फिर क्या करेंगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा एक्सपोजर था नहीं। पर हुआ क्या, 10th क्लास में जब मैंने यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया, तो आज से आप अगर देखोगे काफी सालों पहले तो यूपी बोर्ड में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता था। तो आपके अगर कोई सीनियर होंगे, आपके ब्रदर होंगे, तो उनसे आप पूछना, वो आपको बताएंगे भी कि यूपी बोर्ड में यार मार्क्स लाना काफी मुश्किल होता है। तो जब मैंने 10th क्लास में हिंदी मीडियम से अपना यूपी बोर्ड का एग्जाम अटेंड किया, तो उस टाइम पे मैंने अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। मैं पढ़ने में अच्छा था नो डाउट, बट इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था कि कौन सी चीजें अच्छी होती हैं, क्या खराब होता है। तो बस मैंने 10th में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, तो फिर मैंने 12th भी वहीं से किया, सेम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, वहां पे भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए। फिर मैंने अपने पापा से बात की कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यार दो
आप तुम क्या करो, तुम चले जाओ कानपुर, और कानपुर में जाके फिर आईटीजेई की प्रिपरेशन करो। अब डिफरेंस ये हो गया कि जब कानपुर में मैं गया, तो कानपुर में 12th तक तो मेरा हिंदी मीडियम था, बिल्कुल एब्सोल्युटली हिंदी मीडियम। उसके बाद जब मैंने कोचिंग करी, 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद जब मैं कोचिंग करने गया, तो कोचिंग में आपको सबको पता होगा कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है आईटीजेई की प्रिपरेशन के लिए। अब जो हम लोग यूपी बोर्ड में 12th लेवल तक फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर कोई यूपी बोर्ड का होगा तो अग्री करेगा कि उसमें यार ऐसा कोई लेवल नहीं होता जिससे हम लोग जेई लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई यूपी बोर्ड से रहा होगा या उन्होंने कभी यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी होगी, तो आपको पता होगा यार उसका लेवल ऐसा जैसा बहुत कुछ खास नहीं होता कि जेई लेवल के क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओ, या 12th के साथ साथ ही आप कोई बड़े बड़े फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या फिर ऑप्टिक्स हो गया, उनको आप क्रैक कर पाए। इस बात से आप लोग अग्री करते हैं? टेल मी, आई थिंक करते हो यार आप लोग, आई थिंक किसी ना किसी के साथ तो ऐसा जरूर होगा। तो हमको पता होता है कि यार बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड में मार्क्स लाना या फिर पास हो जाना इज नॉट अ बिग डील, बट उसको आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट इशू। यस और नो? दैट इज टोटली डिफरेंट इशू। तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, तो मेरे पापा ने काकादेव में जाके मेरा एडमिशन करवा दिया 3 कोचिंग्स में। तो आप लोग भी अगर कभी कानपुर से किसी ने कोचिंग किया होगा, तो उस टाइम पे यार कोचिंग चलती थी आशीष विश्नोई और अनीश श्रीवास्तव और पंकज अग्रवाल, ये 3 लोग थे वहाँ के जो सबसे बड़े स्टालवार्ट्स थे, जो सबसे फेमस माने जाते थे। आशीष विश्नोई मैथ्स पढ़ाते थे, और अनीश श्रीवास्तव फिजिक्स पढ़ाते थे, और पंकज अग्रवाल पढ़ाते थे केमिस्ट्री। तो जब मैं वहां पे गया यार, तो मैंने पहली बार किसी मेट्रो सिटी में इतने बड़े लेवल पे कदम रखा था और अपने आगे सामने की सारी चीजों को देख रहा था। तो मुझे बड़ा अंदर से घबराहट होती थी, बहुत इंफीरियोरिटी लगता था यार, कि मैं अपने आसपास लोगों को देखता था कि कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर कोई इंग्लिश में फटाफट चीजें लिखे जा रहा है। टीचर कुछ बोलता था तो वो उसको फटाफट कैच करके लिख देते थे। मैंने अभी तक सब कुछ सीखा था हिंदी में, सारी चीजें मुझे हिंदी में आती थी, वहां पे इंग्लिश में वो परपेंडिकुलर भी बोलते थे तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, वो मेरे दिमाग में घुसता नहीं था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर कोई बोलता था फ्री रेडिकल, केमिस्ट्री के मैं क्लास में बैठा तो टीचर पढ़ा रहा है कि फ्री रेडिकल, तो वो मेरे दिमाग में बात बैठती नहीं थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रेडिकल, समझ में नहीं आता था। फिजिक्स में मैं पढ़ने गया तो फिजिक्स में टीचर ने बोल दिया सूडो फोर्स, सूडो फोर्स सुनना था कि हालत खराब हो गई। अगल बगल वालों को देखा तो उनसे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, फटाफट वो लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 1 महीने तक तो मैंने बहुत कोशिश की, 1 महीने तक मैंने बहुत कोशिश की कि यार मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ, यार मेरे पापा ने इतने पैसे लगा दिए, तो मेरे दिमाग में ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि यार ठीक है नहीं, एफर्ट करना यार, कुछ ना कुछ करते हैं। पर एफर्ट तो तब करते हैं यार जब कुछ समझ में आता। क्लास में जाके बैठते थे 3 घंटे मैथ्स की क्लास की, सब कुछ ऊपर से चला गया। फिर चलो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के केमिस्ट्री के क्लास में बैठे 3 घंटे, वहां बैठे, वहां से भी सब ऊपर से चला गया। फिर और थोड़ी हिम्मत जुटाई कि नहीं चल रहा, अगले दिन फिजिक्स समझेंगे, पूरा फोकस करेंगे, फिजिक्स की क्लास में बैठे, वहां से भी 80-90% चीजें ऊपर से चली गई। तो मैंने क्या किया यार, लगभग 1 महीने के बाद मैंने क्या किया, सरेंडर कर दिया। मैंने कहा आप जो होगा देखा जाएगा, अपने बस की बात तो है नहीं, ये आईटीजेई में ये सब कर पाना, हम तो क्या करेंगे, पापा ने पैसे लगाए दिए हैं तो अब घर पे बताना जरूरी तो नहीं है कि हम कोचिंग नहीं जाते हैं, तो ऐसा घर पे बताना जरूरी तो नहीं है। तो मैं क्या करता था, कभी मेरे पापा का फोन आता था, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो जहां पे मैं रहता था वहीं पे उनके पास एक लैंडलाइन टेलीफोन था, उस पर कभी कभी फोन आता था। तो पापा मुझसे पूछते थे कैसी चल रही तैयारी, और फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो बोल देता था हाँ तैयारी बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनको होपलेस नहीं करना चाहता था। पर मैंने 1 महीने बाद कोचिंग जाना छोड़ दिया, मैंने कहा कोचिंग अपने बस की बात है नहीं, कोचिंग जाना छोड़ दिया। तो देखो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे यार कि आप जब कहीं जाते हो तो आपको बनाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बिगाड़ने वाले आपको ज्यादा लोग मिल जाते हैं। तो मैं क्या किया वहां पे, मेरी भी ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप होने लगी जो मेरी कैटेगरी में थे, जो किसी ना किसी छोटे शहरों से आए थे, उन्होंने कभी अंग्रेजी का कोई एक शब्द भी नहीं सुना था, और बैठ के वहां पे सूडो फोर समझने की कोशिश कर रहे थे, कोई बैठ के फ्री रेडिकल समझने की कोशिश कर रहा था, कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन रट रहा था बैठ के। तो 1 महीने बाद कुछ ऐसा ग्रुप बन गया ऐसे लोगों का जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे, जो अपने घर पे यही जाके बोलते थे कि हाँ तैयारी अच्छी चल रही। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया यार, हम लोग क्या करते थे डेली, एक ये सेट पैटर्न बना लिया था कि डेली हम लोगों को जाना है एक कोई ना कोई मूवी जरूर कंप्लीट करनी, भले वो मूवी दोबारा देखनी पड़े। ये हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि यार हमारा जो पूरा ग्रुप है वो जाएगा, डेली जाएगा, और कोई ना कोई एक पिक्चर जरूर देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टाइम बिताना है, कुछ ना कुछ तो चाहिए माइंड को पीस।
तो हम लोग क्या करते थे, डेली जाते थे, एक मूवी देखना शुरू करते थे। कोई कानपुर का होगा तो उसको पता होगा कि कानपुर में काकादेव के पास जो विकास नगर है, वहां पे आपके बहुत सारे, एक गुरुदेव, एक मम्मी, तो वहां पे हम लोग जाते थे। एक तरीके से ऐसा समझ लो वहां पे हमारा खाता चलता था कि वहां पे पहुंच गए और मूवी देखना चालू कर दिया। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, मूवी पे मूवी देखे जा रहे हैं, एक एक मूवी चार चार बार, पांच पांच बार देखने, घर से जो पैसे आ रहे हैं उस पे चले गए मूवी देखने। अब हुआ क्या कि बैक ऑफ द माइंड ये भी गिल्ट हो रहा था कि यार थोड़ा थोड़ा पढ़ते यार, थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते तो शायद समझ में आता। बहुत सारे बच्चे एफर्ट करते करते सीख भी रहे थे धीरे धीरे, पर हम लोगों ने क्या किया कि बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया और बहुत जल्दी हार मान ली कि अब होने वाला कुछ है नहीं, खत्म करते हैं। जो 5 6 महीने बच्चे एंजॉय करते हैं उसको, और फिर जाएंगे वापस से बीएससी वगैरह कर लेंगे घर पे, और उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, टीचर वगैरह की वैकेंसी आती है तो टीचर वगैरह बन के आराम की लाइफ गुजारेंगे। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता था। पर जब जैसे ऐसे 5 महीने 6 महीने गुजरे, आईआईटी का एग्जाम धीरे धीरे करीब आने लगा, तो अंदर उतनी ही ज्यादा गिल्ट फीलिंग बढ़ती चली गई कि घर पे आप बताएंगे क्या, अगर पूछेंगे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ तो क्या बोलूंगा घर पे, AIEEE, UPTO, इन सारे ही एग्जाम्स में करेंगे तो करेंगे क्या। तो मैंने क्या किया, एग्जाम से 2 महीने पहले, आईआईटी में तो पता था होना है नहीं तो उसमें तो सरेंडर कर दिया, AIEEE अपने बस की बात थी नहीं उसमें भी सरेंडर कर दिया। अब बचा यूपीटीयू का एग्जाम। यूपीटीयू में अच्छी बात ये थी कि जो पेपर आता था वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता था, तो मैंने क्या किया सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन पढ़ पढ़ के यूपीटीयू का पेपर अटेम्प्ट किया, और यूपीटीयू के पेपर में मेरी रैंक आ गई। यूपीटीयू के जब मेरे पेपर में रैंक आ गई तो मुझे काउंसलिंग के लिए जाना था। हालांकि जब मेरा आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, AIEEE में नहीं हुआ, तो मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो मैं उनको बताता था कि मेरा तो नहीं हुआ है पर मेरे साथ के भी 10 लोग थे मेरे हॉस्टल में, उनका भी नहीं हुआ। तो ये बात सुन के मैं थोड़ा कन्विंस करता था अपने आप को, अपनी फैमिली को भी कन्विंस करता था, पर मेरे पापा यार उस टाइम पे काफी निराश हुए मुझसे, क्योंकि उनको मुझसे काफी हाई एक्सपेक्टेशन थी। वो मुझसे काफी हाईली एक्सपेक्ट करते थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे जाके सेटल होऊंगा। तो सबसे ज्यादा वो निराश हुए जब IIT JEE का रिजल्ट आया। मुझे अंदर से पता था कि मेरा होने वाला है नहीं JEE में। मेरे पापा सबसे ज्यादा खुश थे उस दिन, वो गए कैफे पे मेरा रोल नंबर लेके, रिजल्ट वगैरह देके मुझसे बोले तुम भी चलो, क्योंकि जब मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट आता था तो मैं पापा के साथ जाता था रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। 12th में भी जब मेरे बहुत अच्छे नंबर आते थे तो मैं उनके साथ जाता था बाइक पे, वो लेके जाते थे और रिजल्ट आता था तो वो बहुत खुश होते थे। JEE के टाइम पे भी उन्होंने मुझसे बोला कि चलो ठीक है बैठो चलते रिजल्ट देख के आते हैं, तो मैंने बोला आप जाओ देख के आओ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो क्योंकि मुझे अंदर से पता था होने वाला तो है नहीं। फिर पापा जब JEE का रिजल्ट देख के आए, नॉट क्वालिफाइड उसमें आ गया, तो मतलब उनका चेहरा देख के मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ अंदर से कि यार इन्होंने मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, शायद अगर मैं थोड़ा एफर्ट करता यार, थोड़ा सा पुश करता तो कुछ ना कुछ तो कम से कम एफर्ट तो लगाता, मैंने तो बहुत जल्दी हार मान ली। फिर खैर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई, अभी आगे तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। फिर मैं पहुंचा प्राइवेट कॉलेज में। कौन से कॉलेज में पहुंचा, वो कॉलेज था मेरा ये JSS एकेडमी नोएडा। तो जब मैं JSS में पहुंचा यार, तो JSS असल में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं किसी मेट्रो सिटी में जाऊंगा यार, और मेट्रो सिटी में जाके मैं वहां पे चीजें एक्सप्लोर करूंगा। तो वैसे तो मुझे IIT लखनऊ भी मिल रहा था, IIT लखनऊ भी मिल रहा था, पर मैंने जानबूझ के JSS नोएडा चूज करा क्योंकि मुझे नोएडा डेली वाले एनवायरमेंट में जाना था। तो मैं पहुंचा नोएडा। जब मैं JSS नोएडा कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज तो यार मेरा बहुत अच्छा था, काफी अच्छा कॉलेज था और वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी थे। पर होता क्या है कि आपको जब कभी गिल्ट फील होता है ना तो 1 2 दिन के लिए होता है। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि हम बहुत कभी कभी मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं यार आज तो जी जान लगा देंगे, पूरी रात पढ़ाई करेंगे। करते भी हम पढ़ाई पर वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, उसको लंबा खींच नहीं पाते। मेरे साथ भी हुआ, तो पापा का चेहरा मैंने देखा तो मुझे समझ आया यार कि ये बहुत दुखी तो है। पर जब मैं कॉलेज में पहुंचा फिर से मैं वापस से कॉलेज की मौज मस्ती में पूरी तरीके से खो गया। कॉलेज में मुझे जो सबसे बड़ा शौक लगा था वो शौक लगा था मूवीज देखने का। हालांकि वो कैरी फॉरवर्ड कानपुर से ही हुआ था क्योंकि आदत तो पड़ चुकी थी मूवीज देखने की। तो कॉलेज में भी सेम हैबिट वहां पे भी कल्टीवेट होती चली गई, वहां पे भी परसेंटेज एवरेज आते रहे। कभी किसी सब्जेक्ट में एज सच कोई टॉप नहीं किया, ना ही बहुत हाईली कभी परसेंटेज आए, परसेंटेज ऐसे 65 से 70 के बीच में वेरी करते रहे कॉलेज में भी। तो एक एवरेज स्टूडेंट थे, बट हाँ वहां पे एंजॉय पूरा करते थे, कभी भी हॉस्टल में नहीं रहे, बाहर रूम लेके रहते थे, मूवीज देखना, घूमना फिरना और बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे करते थे जिससे गारंटीड था कि सक्सेस तो नहीं मिलने वाली है, बस ये था कि फाइनल ईयर तक जाते आते यार कहीं से जॉब मिल जाए तो अपनी इज्जत बच जाएगी, कम से कम मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे कि यार चलो जॉब तो लग गई 4 साल के बाद। अब हुआ क्या, जब फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर में आपको पता है आपके कॉलेज में भी इन्फोसिस TCS आती होगी, तो वो नहीं पूछती जो 4 साल आप पढ़ते हो,
वो तो कुछ और ही चीज पूछती है, एप्टीट्यूड किसी को ही पूछ रहा है, कोई कोई अलग से चीज पूछ रहा है, तो सेम चीज वहां पे हुआ। लकीली और अनलकीली ऐसा हुआ कि जब मेरे फाइनल ईयर में इंफोसिस की कंपनी आई तो उस टाइम पे शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा प्लेसमेंट हो गया इंफोसिस। अब जब मैं इंफोसिस में गया यार, इंफोसिस में मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं बहुत खुश था यार। इंफोसिस में जैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, इंफोसिस का जो रिजल्ट आया था वो आया था रात में 2 बजे। आपको पता होगा कि इंफोसिस वाले एक ही दिन में पूरी पूरा का पूरा रिजल्ट कराते हैं, एक ही दिन में इंटरव्यू करते हैं और रात में रिजल्ट वगैरह पूरा का पूरा बता के जाते हैं। तो ये कॉलेज में ही जेएसएस में ही रात में 2 बजे रिजल्ट आया कि इंफोसिस में प्लेसमेंट हो गया। वो जो खुशी थी इंफोसिस में सेलेक्ट होने की उस रात, वो यार ईएससी में भी सेलेक्ट होने के बाद ना वो खुशी नहीं आई थी। आपका हमेशा आप याद रखना, जो आपकी पहली नौकरी होती है, जो आपकी पहली जॉब लगती है, डज नॉट मैटर कितने रुपए की लगी है या कितने लेवल की जॉब लगी है, पहली नौकरी की जो खुशी होती है ना वो दुनिया की कोई भी दूसरी नौकरी रिप्लेस नहीं कर सकती। हो सकता है कल को आप यू मे अर्न इन लैक्स एंड इन करोड़ इन मंथ इन इन पर एनम पैकेज, बट जो आपकी पहली नौकरी लगी होगी ना, भले ही वो 20,000-25,000 की होगी, वो खुशी यार आपको दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती। आई थिंक जिन लोगों ने कभी भी जिनका प्लेसमेंट हुआ होगा या जिनको कभी अचानक से पता चला होगा मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, वो लोग इस बात से एग्री करेंगे कि पहली नौकरी की खुशी दुनिया की कोई भी दूसरी नौकरी रिप्लेस नहीं कर सकती। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जो फर्स्ट जॉब की खुशी होती है वो दूसरी दुनिया की कोई भी जॉब लग जाए, कल को आप सिविल सर्वेंट भी बन जाओ, वो जो फील होता है, पहली फीलिंग जो होती है दिल में कि यार अब तो कमाने लगे हैं, अब तो पैसा आएगा अपने अकाउंट में अपनी मेहनत से, वो फीलिंग कभी दोबारा आपको आ ही नहीं सकती। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आई थी यार दोबारा, मेरा ईएससी में भी सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे सिलेक्शन हुए, बट वो फील कभी नहीं कर पाया जो पहली बार इंफोसिस के लिए हुआ था। खैर, जब मैं इंफोसिस के लिए जा रहा था तो उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो कि जेएसएस के थे, काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, उन लोगों का भी इंफोसिस में प्लेसमेंट हुआ था, पर उन्होंने इंफोसिस का प्लेसमेंट ड्रॉप किया और वो कोचिंग के लिए चले गए। कोई सिविल सर्विसेज के लिए चला गया, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए चला गया, कोई गेट के लिए चला गया। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मैं इंफोसिस और गेट और ये सब, मेरे सारे दोस्त गेट की कोचिंग कर रहे हैं, ईएससी की कोचिंग करने जा रहे हैं और मेरा तो मन है कि मैं इंफोसिस में जाऊं। तो मेरे फादर ने मुझसे बोला कि अगर तुमको इंफोसिस में जाना है तो तुम इंफोसिस में जाओ, ये जो सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की जॉब होती है ये कोई उतनी अच्छी जॉब तो होती है नहीं, तुम क्या करो तुम इंफोसिस में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर अभी बूम पे है तो वहां पे बहुत आगे निकल जाओगे, यूएस चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे, वहां चले जाओगे। तो मतलब उन्होंने एक तरीके से मेरे मन की बात कह दी जो मैं सुनना चाह रहा था उनसे। मैं इंफोसिस में पहुंचा, इंफोसिस में यार आप कभी जाओगे तो मैं तो कहता हूँ आप पैसे दे के जाओ इंफोसिस के कैंपस के अंदर। इंफोसिस के कैंपस के अंदर लगता ही नहीं था कि आप इंडिया के अंदर हो। इंफोसिस का कैंपस जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपके 9 messes होते हैं, वहां का जो एक सिनेमा हॉल, अगर कोई इंफोसिस के मैसूर कैंपस में रहा होगा तो उसको पता होगा कि वहां पे आप पूरी की पूरी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होती है। आपको सिंगल रूम मिलता है, आपको बिल्कुल एसी रूम, पहली बार हम लोग एसी रूम में पहुंचे थे जहाँ पे 24 घंटे में एसी मिलता था और बहुत ही हाईली आई वुड से स्टेबलाइज्ड एनवायरमेंट था वहां पे, काफी कुछ अच्छा चल रहा था और आराम से ट्रेनिंग भी चल रही थी। पर मुझे यार धक्का तब लगा वहां पे जब मेरा 1 month कंप्लीट हुआ और 1 month के बाद मेरे अकाउंट में सैलरी आई। 1 month के बाद मेरे अकाउंट में सैलरी आई थी 13,000, मुझे अभी भी याद है, 13,000 सैलरी वहां पे आई थी। ट्रेनिंग के दौरान इतनी सैलरी आपको मिलती वहां पे। उस टाइम पे यार मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से रियलाइजेशन होने लगा, मैं थोड़ा पीछे मुड़ के मैंने देखा, मैंने बोला यार 10th 12th में भी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरिट में आ गए थे, टॉप कर लिया था। 12th के बाद भी ना तो IT निकाला, ना तो IEEE में कोई रैंक है, ना तो कुछ और अचीवमेंट है लाइफ में। अब इंफोसिस में आके बैठे हुए, कल को अगर कोई मुझसे पूछ देता है कि बेटा तुम्हारी अचीवमेंट क्या रही है लाइफ में, इन 22 सालों में तुमने क्या अचीव किया है, तो मैं अपने अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अगर कोई मुझसे पूछता है ये चीज़ तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि मैंने पिछले 22 सालों में क्या अचीवमेंट किया। मैं ये बोलूंगा कि मैं जेएसएस नोएडा से पढ़ा हूँ, ये मेरी अचीवमेंट है, या ये मैं बोल दूंगा कि मैंने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, कौन पूछने वाला है कि 10th में तुमने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है या 10th में तुम 2 subject में फेल हो गए थे, कोई वैल्यू तो है नहीं, ना ही कोई इस बात को सोच के तुमको बहुत रिस्पेक्ट देने वाला है कि तुम इंफोसिस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हो। तो मुझे उस टाइम पे बहुत गिल्ट अंदर से फील होने लगा, मैंने थोड़ा अपना सेल्फ रियलाइजेशन शुरू किया। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया यार कि अभी नाउ एंड नेवर वाला सिचुएशन आ चुका है। 12th वाली चीज तो चलो मैं ये मान के टाल सकता हूँ कि मैं इमेच्योर था और मुझे हिंदी आती थी, इंग्लिश आती नहीं थी, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस मैं दे सकता था उस टाइम पे जो काफी हद तक जस्टिफाइड भी थे, पर अब किस बात का एक्सक्यूज दोगे? 4 साल बीटेक कर लिया अंग्रेजी में, अंग्रेजी में सारे के सारे पेपर्स लिखे, हिंदी अंग्रेजी वाला बैरियर तो खत्म हो गया,
जो एक्सपोजर पहले नहीं था, नोएडा दिल्ली जैसी सिटी में आके रहने लगे, वह एक्सपोजर का भी इशू नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है तो मेरे पास कम से कम कोई एक्सक्यूज तो है नहीं देने के लिए, और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं करूंगा क्या। फिर मैंने वापस से अपने पापा को फोन किया, मैंने बोला कि मेरा इंफोसिस में मन लग नहीं है, बताओ क्या करूं। तो वो बोलते हैं, यार इंफोसिस कोई कंपनी होती है क्या, तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि मैं PSC वगैरह या फिर कोई गेट वगैरह की तैयारी करूँ, या कुछ ना कुछ करूँ, मतलब बड़ा कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरा थोड़ा सा अचीवमेंट आ जाए। मेरा जॉब से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब नहीं कि मैं कल को जॉब करूंगा कि नहीं करूंगा, बट मुझे अपनी अपने लाइफ में एक अचीवमेंट मुझे ऐड करवानी है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, इन्फोसिस वगैरह जो है अगर चला सकते हो तो चलाओ, साथ के साथ तैयारी कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ के आ जाओ, आराम से तैयारी करो। पर यार वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जब मैंने बैठा, मुझे अभी भी याद है, मैं एक एक हफ्ते रात रात भर बैठ के सोचता रहता था कॉपी पेन लेके कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। कोडिंग कर रहा हूँ, DBMS की कोडिंग कर रहा हूँ, बैठ के मैं वहाँ पे C++ सीख रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि सन जावा का सर्टिफिकेशन ले लो, कोई बोल रहा है कि ऐसा कोर्स कर लो वैसा कोर्स कर लो। तो मैं रात रात भर बैठ के सोचता रहता था इन्फोसिस में कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। फिर वन फाइन डे मैंने सोचा यार अब आर्या पार का गेम खेलते हैं, जो भी करना होगा अब खत्म करके देखते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया यार, दिसंबर में मैंने रिजाइन किया, दिसंबर में मैंने इन्फोसिस से रिजाइन किया था, 21 नवंबर को रिजाइन किया था, वो रिजाइन प्रोसेस होते होते दिसंबर आ गया था। अगले ही साल 2013 में मेरा 2013 में मुझे पता चला कि ESE का एग्जाम होने वाला है जून में, तो मैंने रिजाइन किया। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे थे, 5.5 महीने, मेरे पास कोचिंग करने का टाइम था नहीं, ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। तो मैंने वहां से जॉब से रिजाइन किया और मैं आ गया वापस। वापस आने के बाद मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, ESE में देखा कितना क्वेश्चन आता है, और मैं उस टाइम पे एक दिन में 16-16 घंटे में पढ़ाई करता था बिना कुछ सोचे समझे। बस मुझे ये पता था यार मुझे ESE में सिलेक्शन होना है, कैसे भी करके मुझे सिलेक्ट होना है, बस मुझे रैंक चाहिए। उस टाइम पे मैं बिल्कुल सारी चीजें भूल गया, बिल्कुल दुनिया भूल गया था। 16-16 घंटे सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई करता था, थ्योरी पढ़ता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था, पूरी मैंने जी जान लगा दी 4 महीने के अंदर अंदर। और 2013 वाले में मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था, इंटरव्यू में मुझे 74 मार्क्स मिले थे, तो 5 मार्क्स से रह गया था। पर जब मेरी इंटरव्यू वाली कॉल आई थी ना, फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था यार कि अब अगर मैंने इंटरव्यू निकाल लिया है, मेरा रिटर्न नहीं भी होता तो अगले साल तो मैं रैंक लेके आने ही वाला हूँ, अब मैं कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पिछले 23 साल के इतिहास में, अगर 23 साल का मैं अपने कैरियर का आपसे बयान करूँ, तो मैंने सिर्फ वो 5 महीने थे जिसमें मैंने अपने सारे के सारे सेंसेस को कंट्रोल किया था। जो पांचों इंद्रियां होती है ना, पांचों इंद्रियों को मेरे पूरे बस में थी, वो 5 की 5 इंद्रियां उन 5 महीनों के दौरान मैं अपने आप से जो चाहता था वो करवाता था। मैं मेरा मन होता था 16 घंटे पढ़ने का, मैं नॉन स्टॉप पढ़ाई करता था सुबह से शाम तक, मेरे दिमाग में दूसरी कोई चीज आती ही नहीं थी 5 महीने तक। जब मैंने एक बार सेंसेस पे काफी हद तक कंट्रोल करना सीख लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो जब आपको रिजल्ट मिलता है ना आपके हार्डवर्क का, तो वो भी एक बड़ी एडिक्टिव चीज होती है। अगर आपने कभी हार्डवर्क किया ना और उसका आपको रिजल्ट मिल गया, तो उसका जो नशा होता है ना, वो दुनिया के सारे नशे उसके आगे फीके। फिर आपको एहसास होने लगता है कि यार अगर मैंने इस चीज में अपना हार्डवर्क लगा दिया तो मुझे रिजल्ट मिलने वाला, हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद मिले, पर रिजल्ट मिलने लगता है। तो मुझे ना वहां से इसकी हैबिट पड़ गई, मुझे लग गया कि अगर मैं किसी भी चीज के पीछे लग जाऊं और उसमें मैं अपना जी जान लगा दूं तो रिजल्ट तो मुझे मिलने ही वाला है, और रिजल्ट एक बार मिला तो फिर उसका नशा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप लोगों ने भी शायद लाइफ में बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत सारे गोल अकम्प्लिश किए होंगे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आप कभी भी मेहनत करके कोई छोटा बड़ा कैसा भी गोल अचीव करते हो, तो क्या वो आपको कॉन्फिडेंस देता है या नहीं, क्या वो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है या नहीं, क्या वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अंदर से देता है कि नहीं यार ठीक है मैंने अपना जान लगाया और ये चीज यार मुझे मिल गई। तो हार्डवर्क के बाद जब कोई चीज मिलती है ना, तो उसका यार नशा ही अलग होता है, उसके आगे दुनिया के सारे नशे सारे मजे सब कुछ फीके होते हैं जो आपका हार्डवर्क के बाद जो रिजल्ट आता है। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे यार? मुझे लगता है सबकी लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट होती है, छोटी या बड़ी मैटर नहीं करती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपने अचीव किया होगा, भले ही उसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकते हो, भले आप उसको आप 4 लोगों के सामने बैठ के बोल नहीं सकते हो मेरी अचीवमेंट है, पर अंदर ही अंदर आपको पता होता था कि यार मैंने इतना हार्डवर्क किया तो इतना मैंने गेन कर लिया। यस और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है यार, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मुझे नहीं लगता इस बात से कोई डिसएग्री करेगा। तो उसी चीज को ना थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट में लेके जाओ, उसी चीज को लॉन्गर फॉर्मेट में लेके जाओ, मतलब थोड़े बड़े गोल सेट करो, और बड़े गोल्स के लिए फिर जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत चाहिए, तो बड़ी मेहनत करते हैं। बड़ी गोल के लिए बड़ी मेहनत हमने की, जब मेहनत की तो जब उसका रिजल्ट मिला तो मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर मेरे अंदर से जो फियर ऑफ फेलियर था ना, तो मैं किसी IIT वाले को देखता था, किसी NIT वाले को देखता था, तो मैं अपने आगे उसको कुछ समझता था नहीं। मुझे पता था कि ये बंदा अगर 4 घंटे पढ़ने वाला है ना,
तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा पर इसको मैं बीट करके दिखाऊंगा। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा जब मेरा रिटेन में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने देखा रिटेन में उस टाइम पे 293 लोगों को कॉल आई थी इंटरव्यू की। तो मुझे लगा यार 293 में क्या मैं ही सिर्फ ऐसा हूँ? बहुत सारे IITs ने भी एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे NIT के बच्चे बैठे होंगे, बहुत सारे HBTI या फिर जो UPTU के टॉप के कॉलेजेस होते हैं उसके भी बच्चे बैठे होंगे। उसमें अगर मैं 293 बच्चों में आ गया तो मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है? भले ही मैं IIT नहीं जा पाया किसी टाइम पे, NIT नहीं जा पाया, पर अभी तो मैंने 5 महीने के लिए सब कुछ कंट्रोल में रखा। फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर कोई बताता था कि मैं IIT दिल्ली से हूँ, मैं IIT बॉम्बे से हूँ, तो मैं अपने आगे उसको कुछ समझता था नहीं। मुझे पता था कि अगर ये 4 घंटा पढ़ेगा तो मैं 10 घंटे पढ़ के इसको बीट तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, चाहे जैसे करूंगा। तो वो मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ये बिल्डअप इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 5 महीने तक बिल्कुल जी जान अपनी लगा दी थी, उसका मुझे रिजल्ट भी मिल गया इमीडिएट। कभी कभी क्या होता है रिजल्ट इमीडिएट नहीं मिलता है, हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था 2013 में, बट मुझे लगने लगा था कि अब मैं काफी चीजें अकम्प्लिश कर सकता हूँ। तो जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है ना, उस टाइम पे आदमी कुछ भी कर गुजरता है। ये रियलाइजेशन अगर आपको अभी नहीं है तो करो, अगर नहीं कर पाते हो तो एवरेज में सेटल रहो, कि ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप एवरेज लाइफ में सेटल हो जाते हो तो ये आपकी गलती है, आपके अलावा किसी तीसरे इंसान की गलती नहीं है। पर अगर आपने ये रियलाइज कर लिया या कोई भी बड़ा अचीवमेंट, कुछ भी बड़ा अचीवमेंट अपनी लाइफ में नहीं है, मुझे अचीवमेंट के लिए पढ़ना है या मुझे अचीवमेंट के लिए गेट, PSC, PSU, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, मैं अचीवमेंट लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैं नौकरी का कभी भी बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप नौकरी करने के लिए जॉब ज्वाइन करो। मैं मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि आप जॉब निकालिए और नौकरी करने के लिए जॉब करिए। मैं हमेशा से इस चीज का समर्थक रहा हूँ कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को कैटर करना चाहिए। नौकरी, पैसे कमाना, जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑल दिस थिंग्स बिकम्स इररिलेवेंट वंस यू स्टार्ट अचीविंग बिगर थिंग्स। फिर आपके लिए गोल्स धीरे धीरे बड़े सेट करने पड़ते हैं। आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल पीपल हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकित सर, अंकित सर से इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्टोरी। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो देखो होता क्या है कि जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो, जब आप छोटे छोटे हर्डल्स को क्रैक करते हो, तो आपको लाइक माइंडेड पीपल अपने आप मिलने लगते हैं। आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जैसे एनवायरमेंट पे आप रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब मैं मूवीज देखने लगा 12th के बाद, मैं जाता था घूमने, मैं जाता था गुरुदेव और मम्मी में मूवीज देखने, तो मेरे आसपास का सर्कल भी वैसा ही बन गया था। वैसे ही लोग मेरे आसपास रहते थे, मुझे उन्हीं लोगों के साथ मजा आता था। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मेरे आसपास वैसे ही पैसिव लोगों से दोस्ती हो गई जिनको एक्टिव लाइफ से कोई मतलब नहीं था। कॉलेज गए, आके सो गए, मूवीज देखी, सेमेस्टर हुआ तो एक दिन पहले पढ़ लिया, नहीं भी पढ़ा तो काम चल रहा है, तो वैसे ही लोग मिलते चले गए। पर जब मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल अपना रियलाइज किया और मैंने हार्डवर्क रखा तो मुझे यार लाइक माइंडेड लोग मिलते चले गए। अंकित सर मुझे मिले, उनको मैंने देखा तो ही वॉज अ हाईली इंस्पिरेशनल फिगर। द वे ही स्ट्रगल्ड, उनका जो स्ट्रगल स्टोरी है उनका तो अलग ही लेवल का स्ट्रगल स्टोरी है, तो उनसे मैं मिला, उनसे काफी मोटिवेट हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीजें उनसे मैंने सीखी। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत बड़ा करने का सपना देखते हैं, तो आप जीवन में धीरे धीरे करके अच्छा करने लगते हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव बातें सुनते हैं, नेगेटिव सराउंडिंग रखते हैं, जिनके कोई बड़े ड्रीम्स नहीं है, जिनको कोई सक्सेस की हंगर नहीं है, तो धीरे धीरे आप भी पैसिव होते चले जाते हो। तो हमेशा ये रियलाइज करो यार, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है तो बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए पढ़ो। नौकरी, PSU, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्लास 1 ऑफिसर, गैस्टेड ऑफिसर, दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट वंस यू स्टार्ट अचीविंग। और एक बात मेरी याद रखना कि अगर कभी भी आपको बड़ा करना है लाइफ में, आप बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए उतना ही बड़ा आपका हार्डवर्क भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया 2014 में। वापस से मैं पहुंचा UPSC। UPSC के गेट पे पहुंचना ही बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। UPSC के गेट पे पहुंच के सेल्फी लेने का एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है। मैं चाहूंगा आप भी जाओ UPSC के गेट पे, सेल्फी लो, सेल्फी लेके वहां पे टैग मुझे जरूर करना कि विशाल सर आपने हमें किसी भी फॉर्म में गाइड किया, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कि आप उनसे प्लस पे पढ़ रहे हो, आप उनसे स्पेशल क्लास में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे नहीं भी पढ़ रहे हो, मेरे किसी सेशन से मोटिवेट हुए, या किसी भी तरीके से अगर मैंने आपकी XYZ तरीके से हेल्प की तो जरूर मुझे टैग करना। जब भी आप जाना UPSC के गेट के बाहर, वहां एक सेल्फी जरूर लेना और मुझे टैग करना कि सर मैं भी UPSC के गेट के सामने आज खड़ा हो गया हूँ और अभी मैं लाइफ में जाके कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तो मैं जरूर चाहूंगा यार कि मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई जूनियर या फिर मेरा कोई, आप लोग हमारी फैमिली की तरह, सारे लोग छोटे भाई बहन जैसे ही हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि यार आप लोग जाएं और ये जो गेट सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस गेट के सामने खड़े होइए, प्राउडली प्राउडली जाइए, सूटेड बूटेड, या फिर अगर
आप बॉय हैं, अगर गर्ल है तो गर्ल के लिए भी आपके फॉर्मल ड्रेसेस होती हैं, आप लोग जरूर जाइए वहां पे, एक सेल्फी लीजिए, सेल्फी लेने के बाद जरूर मुझे टैग करिए कि सर मैं भी आज यूपीएससी के गेट के सामने खड़ा हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। सो दैट प्राउड मोमेंट नो बडी कैन टेक यू टेक विद यू। ये जो प्राउड मोमेंट होता है ना यूपीएससी के गेट के सामने खड़े होने का, ये जो प्राउड मोमेंट होता है ना, ये आपसे दुनिया का कोई इंसान छीन नहीं सकता है, कोई कहीं पे भी आके खड़ा हो जाए। यूपीएससी के अंदर घुस के अगर एक बार इंटरव्यू किया है, देखे अगर आप आ गए हो ना, तो किसी के सामने भी खड़े होकर बोल सकते हो यार यूपीएससी में घुस के मैंने इंटरव्यू दिया है। कितने लोग देते होंगे यूपीएससी के अंदर घुस के इंटरव्यू एक साल में? बहुत ही कम लोग। और अगर एक ब्रांच स्पेसिफिक कर लें तो शायद 200-300 लोग एक साल में ऑल ओवर इंडिया। तो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट एवरी वन शुड अकम्प्लिश एटलीस्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ईएससी की नौकरी करो बाद में करो नहीं करो, आई डू नॉट केयर, इट इज टोटली योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर द सिलेक्शन। हमेशा सिलेक्शन होने के बाद डिसीजन लीजिए, सिलेक्शन होने से पहले नहीं। तो जरूर ऐसा करिए, जरूर एक बिग लीप लो यार अपनी लाइफ में, जरूर आप जाइए यहाँ पे और मुझे जरूर बताइए कि मैंने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया, और अपने आसपास प्राउडली बताइए सबको, प्राउडली बोलिए कि यार आई एम एन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर, आई हैव गिवन द यूपीएससी इंटरव्यू, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, विच इज अकम्प्लिश बाई वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया आउट ऑफ लैक्स एंड लैक्स ऑफ इंजीनियर्स। तो आई वुड लाइक टू सी एटलीस्ट एवरी वन ऑफ यू हु इज इन द कमेंट सेक्शन दैट एटलीस्ट सम डे ऑर द अदर दे आर गोइंग ऑन द गेट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूपीएससी गेट। फाइन, चलो तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक बिग लीप सब लोग लो यार, और जितनी स्टोरी मैंने सुनाई मेरे ख्याल से बहुत ही जनरल स्टोरी है, कोई भी टीयर थ्री का स्टूडेंट होगा इससे बहुत आराम से रिलेट कर लेगा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट होगा इसको बहुत आराम से रिलेट कर लेगा। तो यार अगर मैंने बड़ा किया आप भी बड़ा कर सकते हो, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं देखो बार बार अपने सेशंस में बोलता हूँ सक्सेस रिलेटिव होता है, हर दिन आप 10 तरह के सक्सेस को अचीव करते हैं, 10 तरह के फेलियर को अचीव करते हैं। तो कोई भी दुनिया का इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं आज की डेट में, आज अपने पास 18 जुलाई की डेट है तो मैं 18 जुलाई के बाद से सक्सेसफुल हो गया। सक्सेस हमेशा रिलेटिव होता है, कभी सक्सेसफुल होते हैं आप, कभी फेल हो जाते हैं, कभी मोटिवेट डीमोटिवेट, वो डेली बेसिस पे चलता रहता है। पर अचीवमेंट हमसे कोई नहीं ले सकता, मुझसे ही कोई नहीं बोल सकता कि तुम्हारी कोई अचीवमेंट है। मैं बोल सकता हूँ सक्सेसफुली प्राउडली कि यार मैंने ईएससी क्वालिफाई किया, एक बार नहीं दो दो बार, मैं तीन बार गया यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने। तो ये अचीवमेंट मुझसे कोई नहीं ले सकता। मैं कभी डीमोटिवेट हो सकता हूँ किसी बात की वजह से, किसी वजह से मैं बुरा फील कर सकता हूँ, अच्छा फील कर सकता हूँ, पर आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं ना वो आपसे कोई भी दुनिया का आदमी छीन नहीं सकता है, नो मैटर वॉट। सबको ये बात समझ आ गई? तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि आप अपना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करो। आप जॉब के लिए, नौकरी के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो आप पढ़ते हो ना, दैट एक्चुअली क्रिएट्स प्रेशर ऑन योर माइंड। अगर आप अचीवमेंट के लिए पढ़ोगे कि यार कल को अगर मैं बन गया तो क्या, अगर मैं ये बन गया तो क्या होने वाला है, उसके बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला हूँ, मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा लीप आने वाला है यार, मैं जीरो से हीरो तक का सफर तय कर लूंगा विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। आपके यूपीएससी का रिजल्ट आया, लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप चुटकियों में जीरो से हीरो बन जाते हो यार, चुटकियों में जीरो से हीरो बन जाओगे। तो बहुत ही कम टाइम लगता है, बट पर्पज ये है कि आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी सराउंडिंग वैसी होनी चाहिए, आपके मेंटोर्स वैसे होने चाहिए जिन्होंने खुद लाइफ में स्ट्रगल करके चीजों को अचीव किया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद मैंने क्या क्या किया। तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं, ऑल इंडिया रैंक 25 मैंने अचीव करी 2014 में 98, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स मेरे निकलने लगे। उसके बाद फिर मैं साथ के साथ टीचिंग भी करने लगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मन होता था कि मैं एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूं, उनकी समस्याओं को समझूं, उनको सुलझाऊं एंड ऑल। मैंने ब्रीफली इंडियन रेलवे में भी सर्व किया था एज ए ग्रुप एक एस्टेट ऑफिसर, फिर मैंने वहां से रिजाइन कर दिया, फिर मैं आ गया वापस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, वहां पे भी मेरा मन नहीं लगा, वहां पे भी एज ए ग्रुप एक एस्टेट ऑफिसर में पोस्टेड था, वहां से भी मैंने रिजाइन कर दिया, वापस से मैं आया टीचिंग फील्ड में। तो जब मैं टीचिंग करने लगा, टीचिंग के साथ साथ मैंने और भी एक दो नई चीजें अपनी स्टार्ट की, वो मैं कभी आपसे अलग से बात करूंगा। तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो टीचिंग में भी मेरा हमेशा से यही एम था कि हमारी सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें हर एक फील्ड में बेस्ट बनना है। वहां पे भी हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया।